गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे कि अल्कोहल जो है उनकी CO बॉन्ड जो विदलन की अभिक्रिया है, विखंडन की अभिक्रिया है, कैसे होती है। उसके अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन देख ली थी और उसके बाद हम लोग देख रहे थे फास्फोरस हैलाइड से भी रिएक्शन देख ली थी और आज हम देखेंगे डोर्जन रिएक्शन। CO विदलन की अभिक्रियाएं, CO विखंडन की अभिक्रियाएं, CO बंद विखंडन लिखते हैं ऐसे, CO बंद विखंडन की अभिक्रियाएं। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही है, उसमें हम लोगों ने H बॉन्ड कैसे टूटता है, ये यहाँ पे H भी होगा तो देखो यहाँ पे इसकी अभिक्रियाएं, इनके दोनों के बॉन्ड की अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके। इस यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट होगा तो उसके अंदर भी हम लोगों ने देखी थी, पहली रिएक्शन हमने देखी थी हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा होने वाली रिएक्शन, CO बॉन्ड टूटता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन के अंदर ये H जो है उसके ऊपर बाइंड होता है और एल्किल हैलोजन बनता है। दूसरी रिएक्शन देखी थी हमने फॉस्फोरस हैलाइड से PCl3 या फिर PCl5 से रिएक्शन देखी थी, PCl5 से रिएक्शन करवाने पे क्या बनता है, हमारा एल्किल हैलाइड बनता है। और थर्ड देखेंगे हम लोग थायोनिल क्लोराइड से SOCl2 से रिएक्शन, ये देखेंगे हम लोग आज और ये इम्पॉर्टेंट है तो ये हम नोट करेंगे आज। इसकी थ्योरी हम लोगों ने कल लिख ली थी। तो थर्ड रिएक्शन हमारी चल रही थी डोर्जन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नेम रिएक्शन है। डोर्जन अभिक्रिया या फिर SOCl2 से, SOCl2 को देखो थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, इसे भी नोट कर लेते हैं एक बार, इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से अभिक्रिया। तो ये हम देखेंगे आज डोर्जन रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसकी नेम रिएक्शन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जब एल्कोहलों की रिएक्शन SOCl2 से करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है और कैसे बनता है वो देखते हैं हम लोग अब। एग्जांपल इसकी थ्योरी हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर देख ही लिया था। देन इसके बाद अब हमें देखना है सी, इसका एग्जांपल C2H5OH है, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, SOCl2 के साथ। और SOCl2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है Cl और इसको भी बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पे प्रेजेंस लेते हैं PY जिसे हम लोग बोलते हैं पीरीडीन, और पीरीडीन का फॉर्मूला होता है, पीरीडीन का फॉर्मूला होता है C6H5N। ये क्या है, पीरीडीन है। इसकी प्रेजेंस के अंदर अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करवाएंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पे CO बंद विखंडन की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल के अंदर कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेकआउट होगा, ये तो होगा नहीं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ से देखो ये SO2 यहाँ से बाहर निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ये Cl कहाँ पे बाइंड हो जाता है, एक Cl हो जाता है यहाँ पे बाइंड और दूसरा Cl हो जाता है यहाँ पे बाइंड और क्या बनेगा हमारा C2H5Cl+SO2 गैस यहाँ से बाहर निकली और क्या बन गया हमारा HCl। ये H तो चला गया इस Cl के साथ तो HCl का फॉर्मेशन हो गया, ये SO2 यहाँ से बाहर निकल गई और ये एल्किल हैलाइड इसके साथ
क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया और क्या बन गया, एथिल क्लोराइड बन गया। नोट कर लीजिए आप इसे। देन इसके बाद आप देखते हैं इसकी मैकेनिज्म जो है वो कैसे चलती है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, देन इसके बाद इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। ये जो पिरिडीन था, ये पिरिडीन क्या करता है, इस HCl को एब्जॉर्ब कर लेता है इस रिएक्शन के अंदर। अब इसकी बात करते हैं क्रियाविधि की। देखो नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है और आपके सिलेबस में भी मेंशन है, तो इसकी मैकेनिज्म देखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे चलेगी, ROH रिएक्शन करवाते हैं इसकी SOCl2 से। इस टाइप से इसकी क्या करवानी है, हम लोगों को रिएक्शन करवानी है। तो रिएक्शन के अंदर बॉन्ड कैसे चलेगा, ये HCl यहाँ से बाहर निकलेगा, ये इसके साथ कंबाइंड होगा और कैसे होगा, ये HCl यहाँ से माइनस HCl बाहर निकल जाएगा, ROSOCl प्लस HCl बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड कैसे चलेगा, ये तो चलेगा क्योंकि Cl की नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड ऐसे चलेगा, तो इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा कैसे, इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो SO2 गैस तो हमारी बाहर निकल गई और साथ में इधर निकल गया हमारा Cl नेगेटिव और इधर हमारा हो गया R पॉजिटिव एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पे ये दोनों रेडिकल हैं, ये दोनों बचे आयन के फॉर्म में, तो ये R इससे रिएक्शन कर लेगा और क्या बन जाएगा मेरा RCl, एल्किल हैलाइड मेरा क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका क्या SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन, जब एल्कोहलों की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, SOCl2 से करवाते हैं, तो एल्किल हैलाइड बनता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस निकलती है, जो कि अभी आगरा के अंदर जो ताजमहल बना हुआ है उसको भी डैमेज करने वाली गैस कौन है, SO2 गैस है, क्योंकि ये क्या करती है, कोटा स्टोन जो होती है वाइट कलर का उसको येल्लो कर देती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसकी मैकेनिज्म है, ये आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। देन इसके बाद देखते हैं फोर्थ रिएक्शन, अमोनिया से अभिक्रिया और उसके बाद अपचयन। फोर्थ रिएक्शन है अमोनिया से रिएक्शन या अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे जब अल्कोहल की अभिक्रिया, जब अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं, अमोनिया गैस या अमोनिया से करवाते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या जब एल्कोहलों की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं, मतलब NH3 से करवाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमें, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए कैसे होता है, इसे नोट कर लीजिए क्योंकि रिएक्शन थोड़ी बड़ी आएगी तो वो नीचे तक जाएगी, इसे नोट कर लीजिए फिर देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखिए कैसे एल्कोहल है ROH, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, NH3 है, 3 H जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस टाइप से लिख देती हूँ NH2, कोई दिक्कत, यहाँ पे ही इसको मैंने खोल के लिख दिया,
किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे? शुष्क ZnCl2। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री टेम्परेचर पे अगर इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से OH, क्योंकि CO बॉन्ड की रिएक्शन पड़ रहा है तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, यही वाला टूटेगा, तो C और O वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा मेरा 1 डिग्री amine NH2। ठीक है, और यहाँ से मेरा क्या निकल गया, NH2 बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन अगर इसकी रिएक्शन, ये मेरा क्या बना, 1 डिग्री amine बना। 1 डिग्री amine का मतलब हो गया इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एल्काइल ग्रुप से हुआ, मतलब एन सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको 1 डिग्री बोला। अगर 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा तो वो 2 डिग्री, और अगर यहाँ पे 3 से जुड़ेगा तो वो 3 डिग्री amine होगा। तो यहाँ पे अगेन मैं रिएक्शन करवा देती हूँ ROH से, तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ पर जो एक एच है वो एच इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और ये R जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस NH के साथ, और रिएक्शन कैसे चलेगी, इस टाइप से हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा और साथ में क्या, H2O बाहर निकल जाएगा। ये कौन सा डिग्री बन गया हमारा, 2 डिग्री amine। 1 डिग्री amine बन गया, 2 डिग्री amine बन गया। अगेन इसकी रिएक्शन, मतलब कि यहाँ पे एल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा ले लेते हैं, एल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा ले लेते हैं तो तीनों का हमें क्या क्या प्राप्त होता है, मिक्सचर प्राप्त होता है। तो फिर अगेन इसकी रिएक्शन किससे करवा दी जाती है, प्लस है यहाँ पे, देन अगेन इसकी रिएक्शन ROH से करवा देते हैं। तो ये जो बाकी H बचा है वापस CO बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ही ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ से ये OH और यहाँ से ये दोनों बाहर निकलेंगे और क्या बना लेगा, H2 तो बाहर निकल जाएगा और amine मेरा कौन सा वाला बनेगा, 3 डिग्री amine बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, H2O बाहर, तो ये मेरा क्या बना, 3 डिग्री amine। तो इस टाइप से जब एल्कोहल की रिएक्शन एमीन अमोनिया से करवाते हैं तो उसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री amine का क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि एक अमोनिया आपसे करवाया और क्या प्राप्त हो गया, मिक्सचर प्राप्त हो गया। अगर इसका अमाउंट, इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के अंदर एल्कोहल की कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, तीनों का मिक्सचर प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, 5th नंबर की। और वो आती है अपचयन रिडक्शन रिएक्शन। पांचवी आएगी अपचयन अपचयन में क्या जुड़ता है, एच जुड़ता है। लिखेंगे इसके अंदर, जब एल्कोहल की अभिक्रिया, इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में भी मेंशन है, अभिक्रिया लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से करवाते हैं, HI हाइड्रोजन आयोडाइड से HI से करवाते हैं तो एल्कीन बनता है। देखिए अपचयन रिएक्शन, जब एल्कोहलों की रिएक्शन, एल्कोहलों की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में, रेड पी लिखा हुआ होगा इसका सिंबल, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाते हैं तो फॉर्मेशन क्या होगा, क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। कैसे बनेगा वो देखते हैं हम लोग। ये मेरा क्या है, एल्कोहलों की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल लिखेंगे, देन इसके बाद HI के 2 मॉलिक्यूल्स ले लूँगी मैं, यहाँ पे 2 मोल ले लूँगी,
तो होगा क्या, यहाँ से देखो एक दो मोल ले लिए मैंने यहाँ पे एच आई के, ठीक है, तो एक तो यहाँ से ये एच टू बाहर निकल जाएगा, देन यहाँ से ये आई टू बाहर निकल जाएगा, और ये जो एच बचा है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, रेड पी की प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या बनेगा, सी टू एच सिक्स प्लस एच टू प्लस आई टू बाहर निकल जाएगा, और ये मेरा क्या फॉर्मेशन हो गया, एल्केन। तो इस टाइप से अपचयन के अंदर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एल्कोहलों की रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में एच आई से करवा दी जाती है, तो एल्केन बनता है और साथ में आयोडीन गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, जो SOCl2 से हमने रिएक्शन पढ़ी थी, डोर्जन रिएक्शन, SOCl2 से जो रिएक्शन पढ़ी है उसमें क्या बन रहा था, एल्किल क्लोराइड बन रहा था। तो एल्किल क्लोराइड की जगह अगर एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बनाना है तो ये दोनों उस रिएक्शन से नहीं बनेंगे, ये दोनों उस रिएक्शन से नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि SOCl2 तो क्या है, स्टेबल होता है, लेकिन SOBr2 और SOI2 बनता ही, मतलब स्टेबल नहीं होता इनका, ये क्या है, इनका स्थायित्व नहीं होता है। अब इनका स्टेबिलिटी नहीं है तो डोर्जन रिएक्शन में RBr और RI, एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड जो हमारे पास प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट उस रिएक्शन से हम लोग नहीं बना सकते, उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, सिर्फ एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, देन इसके बाद अगली रिएक्शन देखते हैं। एल्कोहलों की अकार्बनिक अम्लों से रिएक्शन, सिक्स नंबर की रिएक्शन है ये, एल्कोहलों की अकार्बनिक अम्लों से अभिक्रिया। अकार्बनिक का मतलब H2SO4 जिसके अंदर कार्बनिक ना हो, H2SO4, HNO3, HCl ये अकार्बनिक एसिड है। तो यहाँ पे देखिए, जब इसमें लिखेंगे, जब एल्कोहलों की अभिक्रिया अकार्बनिक अम्ल से करवाते हैं तो लवण बनता है। क्या, जब एल्कोहलों की रिएक्शन अकार्बनिक अम्ल से करवाते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है। कैसे बनता है वो देखते हैं, सी टू एच फाइव ओ एच की रिएक्शन अगर मैं यहाँ से मैं एच एन ओ थ्री से रिएक्शन करवा दूँ, सपोज एच एन ओ थ्री से रिएक्शन करवा दूँ, तो यहाँ पे क्या, ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा, और यहाँ से ये और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा मेरा, यहाँ से ये चीज़ इससे बाइंड होगी, और क्या साल्ट बनेगा, सी टू एच फाइव ओ एन ओ टू प्लस एच टू ओ बाहर, और ये मेरा क्या बन गया, सोल्ट बन गया। तो इस टाइप से एल्कोहलों की रिएक्शन इनऑर्गेनिक, भाई एच एन ओ थ्री है, नाइट्रिक एसिड से इसकी रिएक्शन करवा दी जाएगी तो क्या बनेगा, हमारा सोल्ट बनेगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, नोट कर लीजिए आप इसे, क्योंकि एसिड है तो ये तो एच देगा ही सही, और यहाँ से ओएच बाहर निकलेगा, एच टू बाहर निकल जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम लोग, तो आप इन्हें एक बार नोट कर लीजिए और रिवाइज करिए, देन इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।